नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसमें IT वालों को मौका दिया गया है। तो IT कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया गया है और कौन से पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस, ये टोटली लीड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड चेंज से। यहाँ से ही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो अगर पूरी डिटेल वाइज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, हम फाइनली आ गए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर करंट जॉब के ऑप्शन पर देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। इस वाले यहाँ पर देखेंगे तो पहले नंबर पर यहाँ पर CPCB इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट डिफाइंड पोस्ट CPC इन द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेस। यहाँ पर 6 तारीख को ये नोटिफिकेशन, ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है जिसका लास्ट डेट 31/3/2023 रखा गया। यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से लिंक दिया गया था। यहाँ से नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये रहा आपका डिटेल वाला नोटिफिकेशन, ये यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर मेंशन किया गया सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, जो यहाँ से नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है। और जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर पूरा आपका पूरा डिटेल वाइज फॉर्म स्टार्टिंग डेट बताया गया, लास्ट डेट बताया गया। तो जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 6 मार्च 2023 से और लास्ट डेट 31 मार्च 2023 रखा गया। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पर, जैसे साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाला गया, जो डिग्री डिप्लोमा होते हैं उनके लिए भी पोस्ट हैं यहाँ पर, और ग्रेजुएट वालों के लिए भी है। तो आप अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। साइंटिस्ट का पोस्ट है, लैब असिस्टेंट और ला ऑफिसर के लिए है, और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए है। और इसके बाद आपकी यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए है। इसके बाद आपकी यहाँ पर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट असिस्टेंट के लिए निकाली गई है और जूनियर टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। और इसके बाद आपकी यहाँ पर सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ग्रेड सेकंड के लिए निकाली गई है, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए है। इसके बाद आपकी अगली पोस्ट जो है यहाँ पर लोअर डिवीजन कलर के लिए है। और यहाँ पर आपकी फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट है और 15 नंबर की पोस्ट जो आपकी IT वाले बच्चों के लिए है यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले को में जो मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाले गए है। जो लेवल आपकी यहाँ पर लेवल 1 की पोस्ट है 1800 ग्रेड 18000 से 56000 की 56900 आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसी है और एज की क्राइटेरिया जो यहाँ पर रखी गई है वो 18 से 27 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, कौन सी कैटेगरी को कितना एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे SC ST को 5 ईयर, OBC नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर, और आपकी जो PWD कैंडिडेट हैं या UREWS कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 10 ईयर दिया गया है। और OBC नॉन क्रिमिनल वाले जो होते हैं PWD में उनके लिए यहाँ पर OBC वालों के लिए दिया गया है 13 ईयर और SC ST के लिए यहाँ पर 15 ईयर दिया गया है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है एक सर्विसमैन को, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कहाँ साइंटिस्ट के लिए कौन सी PWD में कैटेगरी में सीटें हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे आप जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो अगर आप साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई। इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप इससे रिलेटेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बैचलर डिग्री लॉ में मांगी गई है। इसके बाद आप अगर यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री कॉमर्स में मांगी गई है, तो आप अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद आपकी नेक्स्ट वैकेंसी जो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है, तो अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर रिलेटेड सब्जेक्ट में। इसके बाद टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट है, यहाँ पर जो डिग्री मांगी गई है वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 ईयर का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद अगला पोस्ट जो है वो असिस्टेंट का है, यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आपको टाइपिंग भी वगैरह मांगा गया तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगली वैकेंसी जो यहाँ पर है वो अकाउंट असिस्टेंट के लिए है, और यहाँ पर आपकी कॉमर्स से मांगी गई है बैचलर डिग्री, और अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपके जूनियर टेक्नीशियन की है, यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है और रिलेटेड फील्ड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप इससे रिलेटेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी जो आपकी है वो सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट की है, यहाँ पर आपकी 12 आपकी स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, इसके बाद आपके पास साइंस से होना चाहिए, इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं रिलेटेड फील्ड में 3 ईयर का। अगली पोस्ट यहाँ पर जो निकाली गई है अपर डिवीजन क्लर्क की निकाली गई है, यहाँ पर भी आपसी जो वैकेंसी का डिग्री मांगी गई है इसमें, और आपके पास टाइपिंग होना चाहिए, तो अगर टाइपिंग आपसे इसमें हिंदी इंग्लिश में इतना वर्ड पर मिनट है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। और अगली वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, यहाँ पर ग्रेड 2nd की है, और यहाँ पर भी 12वीं पास मांगा गया है, अगर आप 12वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी अगली वैकेंसी जो है जहाँ पर जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, यहाँ पर 12वीं पास मांगी गई है और आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं में, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी जो है यहाँ पर आपकी लोअर डिवीजन कलर की है, और इसमें आपकी जो मांगी गई है 12वीं पास मांगी गई है, यहाँ पर भी आपकी टाइपिंग मांगी गई है, जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो है फील्ड अटेंडेंस की है, यहाँ पर भी आपको 10वीं पास मांगा गया है, तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर। अब यहाँ से जो वैकेंसी स्टार्ट हुई है वो ITI वाले बच्चों के लिए यहाँ पर निकाला गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, तो आप मोस्टली मैं इसी पर फोकस करने वाला था, तो आप यहाँ पर आप ITI पास हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास हो प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपके पास ट्रेड इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, जिनमें 3 पोस्ट दी गई है, प्लम्बर में आपकी 2 पोस्ट दी गई है, और फायर सेफ्टी में 1 पोस्ट दी गई है, और जो कि यहाँ पर पंप ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट दी गई है। अगर आप इससे रिलेटेड है तो आप NCVT अथवा SCVT है कोई भी हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर बताया गया जनरल इंस्ट्रक्शन जो क्वालिफिकेशन के रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, वो आपका यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, तो आप लोग यहाँ पर एक निगाह देख लीजिएगा। यहाँ पर टू आवर्स का एग्जाम होगा यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर आपकी जो फीस मांगी गई बहुत हाई फाई रखी गई, क्योंकि यहाँ पर रीज़न ये है कि यहाँ पर पोस्ट कम है, और यहाँ पर जो फीस रखी गई वो आपकी 750 रुपये एग्जामिनेशन फीस है, प्लस 250 रुपये आपकी टेस्ट सेशन फीस है, टोटल 1000 रुपये फीस रखी गई है यहाँ पर। और इसके बाद 2 1 hours जिनका 1 time एग्जामिनेशन है उनके लिए यहाँ पर बताया गया है आपकी 300 रुपये आपकी 350 रुपये एप्लीकेशन फीस है एग्जामिनेशन फीस, और 150 रुपये आपकी टेस्ट फीस है, टोटल आपके यहाँ पर 500 फीस होने वाली है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो बेफिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, टेलीग्राम पर भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। धन्यवाद, कीप इन टच।